सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको राग यमन का संक्षिप्त परिचय, उसका चलन और उसमें दो बंदिशें विलंबित ख्याल और दुत ख्याल बताऊंगा। राग यमन कल्याण थाट से जन्य राग माना गया है, इसे कल्याण राग भी कहा जाता है। इसका वादी स्वर है गांधार, संवादी स्वर है निषाद और इसके न्यास के स्वर हैं सा, ग, प और नी। इसका आरोह है सारे गामा, प ध नि सा, सा नि ध प, म ग रे सा, म इसमें तीव्र लगता है, परंतु इसको गाते और बजाते समय सारे गामा पा ध नि सा करने के बजाय हम इसमें नीरे गामा धनी सा करते हैं, जो इस तरह से है। और अवरोह इसका सा नि ध प म ग रे सा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा अलाप सुनाऊंगा, उसके बाद मैं इसमें आपको विलंबित ख्याल सुनाऊंगा और उसमें कुछ थोड़ी बहुत ताने छोटी छोटी और उसके बाद द्रुत। से रे आना ये कल्याण अंग है, तो जब भी हम कोई कल्याण थाट का राग बजाते हैं तो हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि प से रा की संगति हम हमेशा दिखाएं उसमें। जैसे तो प से रे गा जो आ रहे हैं वो कल्याण अंग है। अब इसमें मैं आपको एक विलंबित ख्याल बताऊंगा। विलंबित ख्याल जिसे हम मशीद खानी गद भी कहते हैं, जो 12वीं मात्रा से शुरू होती है, इसमें जो बोल होते हैं वो होते हैं दिर दादिर दारा दादारा। जब हम मशीद खानी गद बजाएं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन बोलों को हम उसमें बजाएं, तभी वो मशीद खानी गद है। तिन, तो ये मशीद खानी गत जिसके बोल हैं दिर दा दिर दारा दादारा, इसमें इसका थोड़ा जो चलन है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि
कि इसमें आना जाना कैसा है और किन स्वरों पे न्यास कर सकते हैं। उसके बाद ये जो तान है, तीन सप्तकों की तान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मा धा नी सा रे सा नी सा नी रे गा मा पा मा गा रे गा मा धा नी सा नी गा पा मा गा रे गा रे सा। इसकी कुछ थोड़ी बहुत ताने जो है, मेरे गामा पा मा गा रे गा मा धा नी सा नी गा पा मा पा मा गा रे गा रे सा नी सा मा धा नी सा रे सा नी सा मेरे गामा पा मा गा रे गा मा धा नी सा नी गा पा मा गा रे गा रे सा नी सा पा मा गा रे गा रे सा नी मेरे गामा पा मा गा रे आपको इसका द्रुत ख्याल सुनाऊंगा। ख्याल जिसे हम रजा खानी गद भी कहते हैं। इसके बाद सितार बजाते टाइम अंत में हम झाला बजाते हैं, जिसके बोल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब हम द्रुत बंदिश बजाते हैं उसकी लय को हम तेज करते हैं,
और जब उसकी लय को बढ़ाते बढ़ाते हम झाला बजाते हैं तो उसके बोल इस तरीके से होते हैं। दा रा 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 दा रा 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 ये है झाले के बोल। दा रा 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 रागों के जो स्वर हैं उन्हीं में ही हम झाला बजाते हैं। नी रे गा रे सा नी रे गा मा पा मा गा रे नी रे सा। फिर झाले की जो लय है उसे हम और बढ़ाते हैं जहाँ तक हम इसे बजा सकते हैं। फिर अंत में हम तिहाई बजाकर अपना वादन समाप्त करते हैं। इस तरह से हम अपना सितार में वादन प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।